आज हम लोगों का टॉपिक है वो आपका है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। पहले आते हैं भौतिक परिवर्तन पर। भौतिक परिवर्तन अंग्रेजी में इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन हुआ है जिसमें पदार्थों के गुणों जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, भौतिक अवस्था हो गया, जैसे ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैसीय अवस्था है, ठीक है, तो वो आपका हो गया गुण हो गया। तो कुछ गुणों जैसे रंग रूप आदि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है। मतलब कि यह जो परिवर्तन आपका होता है वो क्या होता है, अस्थायी रूप से प्राय होता है। तो अस्थायी रूप से परिवर्तन अवश्य हो जाता है, किंतु उसके मूल संघटन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मूल संघटन मतलब कि जिस चीज़ से वो बना हुआ है, मूल संघटन उसमें वही रहता है, उसमें कोई उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब कि कोई नया पदार्थ ऐसा नहीं बनता है जिसका गुण वो उसके मूल पदार्थ के गुण से क्या हो, अलग हो, ऐसा कोई पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता है। और सिंपल सी बात लीजिए, जैसे गेहूँ से हम आटा बनाते हैं, तो इसको ऐसे करना कि गेहूँ से तो आप हो गया आटा, तो क्या वो नया पदार्थ हो गया? तो ऐसे हम देखते हैं, तो गेहूं और आटा आपका अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो मेन कंपोनेंट है वो गेहूं से ही बना हुआ है। उसमें उसका रंग भी परिवर्तन होता है, जैसे गेहूं का रंग होता है तो गेहूं का रंग होता है गोल्डन कलर होता है, पूरा गोल्डन भी नहीं कर सकते हैं, गेहूं का रंग होता है, वो चेंज होता है। तो आपका आटा जो होता है क्या होता है, बेसिकली व्हाइट कलर का होता है, तो उसका रंग परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। जैसे मान लीजिए अगर 5 kg आटा को हम क्या किए, उसको मिक्स किए, क्या किए, मिक्सचर उसका बनाया, तो वो 5 kg ही होगा। उसको अगर मान लीजिए कि अगर हम ग्राइंड किए पीसे, ठीक है ना, तो 5 kg रहेगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो आपका चेंज वहाँ पर नहीं हुआ। तो याद रखिए, किसी भी अनाज को, कोई अनाज आपका हो गया, ठीक है, उसको अगर हम क्या करेंगे, उसका हम पाउडर टाइप का सब्सटेंस अगर बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, वो आपका भौतिक परिवर्तन ही होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, और उसका जो गुण है वो आपका नहीं बदलता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे दूध से दही बना, तो दूध से दही बना, तो दही दूध से ही बना, लेकिन दही का गुण आपका अलग होता है, दूध का गुण आपका क्या होता है, अलग होता है। तो वहाँ पर उसका जो गुण है बदल गया और वो नया पदार्थ बन गया, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, वो अलग चीज़ हो गया। वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका है गेहूँ से आटा बनना हो गया, नमक का जल में विलीन, जैसे नमक को अगर हम जल में घुला देंगे तो नमक आपका जल में घुलनशील होता है, या मान लीजिए कि अल्कोहल को अगर हम जल में घुला देंगे तो घुलनशील हो गया, या मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम जल में घुला देंगे तो उससे आपका सोडा वाटर बन गया, चीनी को अगर हम नमक पानी में घुला देंगे तो आपका मीठा शरबत बन गया, लेकिन उसका जो मेन गुण है जल का, जो अपना गुण है वहाँ पर वो गुण है जल, ऐसा नहीं आपका जो जल का गुण है किसी को उसमें अपने में घोल लेना, तो वो घुल, मैंने उसमें चीनी क्या हो गया, घुल गया, चीनी का अपना मीठापन है, तो चीनी का मीठापन भी वहाँ पर बना हुआ है, ऐसा नहीं उसका मीठापन खत्म हो गया, उसका जो गुण है वो गुण उसमें चेंज नहीं हुआ। हाँ, कुछ उसका गुण चेंज हो सकता है, जैसे मान लीजिए चीनी है, तो चीनी में आपका उसमें विजिबल नहीं आएगा, चीनी जिस तरह से ठोस क्रिस्टल के रूप में था, पानी मिला देने का तो क्या हो गया, द्रव रूप में आ गया, ठीक है, लेकिन उसका जो गुण है वो बेसिकली मेन जो उसका मूल गुण है वो नहीं बदला, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम भौतिक परिवर्तन ही बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से जलवाष्प बनना, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन ही होता है, क्योंकि इसकी सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, कि जल आपका द्रव अवस्था में था वो चला गया गैसीय अवस्था में। या मान लीजिए अगर जल को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट पर, मान लीजिए उसका 0 डिग्री सेल्सियस उसका जो आपका द्रव्यमान होता है उस पर अगर हम ला के, या उसका द्रव्यमान भी वही होता है, उसका जो जमने का जो पॉइंट होता है वो भी उसका वो क्या होता है, उतना ही होता है, तो उस पर अगर हम रख देते हैं तो आपका क्या होता है, बर्फ बन जाता है, तो द्रव से ठोस में आ गया, लेकिन उसका भौतिक जो उसका जो मेन जो गुण है वो आपका नहीं बदला, तो वो भी आपका क्या होगा, आपका जल से बर्फ बना, तो भी आपका भौतिक परिवर्तन ही होगा। मोम का पिघलना, मोम मतलब जैसे मान लीजिए मोमबत्ती ही है, तो उसको अगर मान लीजिए कि हीट देकर उसको अगर हम गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, पिघल के द्रव रूप में आ गया, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका गुण जो है आपका जलना, वो जलेगा, मैंने जलने का जो उसमें गुण होता है कि अगर मान लीजिए उसमें अगर हम बत्ती लगा के उसको अगर हम जलाएंगे तो जलेगा, ठीक है, तो उसका जो गुण है वो नहीं बदला, तो भी आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन ही होगा। तो अभी तक आप क्या समझे कि जिसके सिर्फ कुछ गुण, कुछ भौतिक अवस्था, कुछ भौतिक गुण में चेंज आ जाए, लेकिन मेन उसका जो गुण है उसमें चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन ही बोलेंगे। जैसे किसी भी चीज़ का पिघलना हो गया, किसी भी चीज़ का क्या हो गया, पिघलना हो गया, एक दूसरे में मिश्रण हो गया, या किसी भी अनाज को हम क्या करते हैं, पीसते हैं, तो भी आपका क्या सब भौतिक परिवर्तन ही होता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत जगह बहुत क्या होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिवर्स कर सकते हैं, कि अगर मैंने जैसे अगर मान लिया कि ठोस से जैसे जल से हम बर्फ बना लिए, तो फिर बर्फ से जल बना लेंगे, तो इसको हम
क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब क्या, कि एक बार जल से हम बर्फ़ बना लिए, फिर बर्फ़ से हम जल बना लिए, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें गेहूं से आटा बनना, या मान लीजिए कि हल्दी है और हल्दी का हम पाउडर बना दिए, या मिर्च है मिर्च का हम पाउडर बना दिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि उसका जो भौ जिस तरह से वो मिर्च था वो नहीं आएगा, हल्दी जिस तरह से था वो हल्दी नहीं आएगा। गेहूं से आटा है तो क्या आटा से गेहूं बना सकते हैं? नहीं। तो ऐसा नहीं कि आटा से गेहूं नहीं बना सकते हैं तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ये इसका द्योतक नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वही आपका भौतिक परिवर्तन होगा। तो इसलिए एक पॉइंट यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, कि यह प्रायः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय को अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्जिबल, मतलब कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं प्रायः, लेकिन ऐसा नहीं। प्रायः इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपको बताया थे कि प्रायः मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट और आपका हमेशा होता है, ये सदा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज। तो प्रायः और हमेशा दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। जब प्रायः लिखा हुआ है इसका मतलब 100% नहीं है, ठीक है। हमेशा लिखा मतलब कि 100%, ठीक है ना, मतलब कि ये श्योर है कि हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायः उत्क्रमणीय प्रक्रिया, मतलब कि यह प्रायः क्या होता है कि बहुत सारा भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जिसको हम फिर से दोबारा परिवर्तित मैंने उसको अवस्था में हम ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी आपका भौतिक परिवर्तन होता है जिसको हम नहीं ला सकते हैं। जैसे मोम को पिघला दिए, तो मोम को पिघला दिए तो फिर द्रव आ गया, द्रव से फिर हम चाहे तो उसको ठोस में ला सकते हैं। नमक का जल में विलयन है तो फिर नमक को हम अलग कर सकते हैं, जल को वापस कर सकते हैं, जिस तरह से था उस तरह में हम ला सकते हैं। लेकिन गेहूं से आटा बन गया, ठीक है ना, या कागज़ को हम फाड़ दिए, कागज़ का टुकड़ा उसको हम क्या कर दिए, फाड़ दिए, तो कागज़ के टुकड़ा से उस तरह का कागज हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन ही है। तो वहाँ पर उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, मैंने उस समय वो क्या है, अनुत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि रिवर्सिबल नहीं भी हो सकता है, मैंने इसको हम परिवर्तित नहीं भी कर सकते हैं। बस समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में उसको हम परिवर्तित कर भी सकते हैं, परिवर्तित मतलब कि उसको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किए, फिर दूसरी अवस्था से पहले अवस्था हम ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। तो इसलिए यह जो है दोनों होगा, उत्क्रमणीय भी होगा अनुत्क्रमणीय भी होगा, लेकिन ज़्यादातर जो होता है यह क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, और अनुत्क्रमणीय कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि भौतिक परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मोम का पिघलना लिखा हुआ है तो आपका भौतिक परिवर्तन होगा, और अगर मोम का जलना होता तो जलना मतलब कि उसको हम जला रहे हैं, तो जलाने में उसका क्या होता है, वो अलग कंपोनेंट में वो चेंज होता है, लेकिन उसको हम पिघलेंगे पिघलाएंगे मतलब कि हीट करेंगे, मतलब मान लीजिए कि धूप में रख दिया, या मान लीजिए उसको हम एक कंटेनर में रख करके उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, पिघल के आपका द्रव रूप में आ जाएगा, लेकिन उसका जो गुण है वो नहीं बदलेगा। तो पिघलना अगर रहेगा तो भौतिक परिवर्तन होगा, और अगर जलना होगा तो आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आपको ये फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा, भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। तो लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप मैंने कि अंत में क्या होगा कि आपका पदार्थ जो है नया पदार्थ में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जिसके गुण संरचना द्रव्यमान, मैंने गुण मतलब हो गया उसका संरचना मतलब कि उसका स्ट्रक्चर, द्रव्यमान मतलब कि उसके द्रव्यमान में भी कमी ज़्यादा हो सकता है, मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, मतलब कि मूल पदार्थ से उसका जो गुण होगा क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा, और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले तो समझ लेते हैं कि पहला लाइन यहाँ पर जो लिखा है रासायनिक परिवर्तन हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ बनता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मोम का जलना, तो मोम अगर जाता है हम जलता है मतलब कि मोमबत्ती मान लीजिए, ठीक है, उसमें अगर हम बत्ती लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। तो मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो मोमबत्ती जो आपका होता है बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, C25H52 मोमबत्ती का जो नाम होता है आपका होता है, इसका जो नाम होता है पेंटाकोसेंस नाम होता है, तो यही मोमबत्ती का सूत्र होता है। तो यह जो C25H52 होता है यह एक आपका कार्बनिक कंपाउंड होता है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब कि कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और जब इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, जब इसको हम जलाते हैं तो क्या वायुमंडल से लेता है ऑक्सीजन, आपको पता है कि दहन में ऑक्सीजन आपका क्या होता है, सहायक होता है। तो जब इसको हम जलाते हैं तो यह क्या क्या चीज़ में परिवर्तन होता है, तो यह जो है आपका CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल का वाष्प बनाएगा, उसके बाद उष्मा आपको देगा, उसका मतलब कि हीट, ठीक है, उसके बाद आपका रोशनी देगा, प्रकाश देगा। तो ये चार चीज़ में यह बदल कर पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है, लास्ट में थोड़ा सा रेसिड्यू पार्टिकल थोड़ा सा बच जाता है। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बच गया, वो बच गया इसलिए क्योंकि बत्ती वहाँ तक अच्छे से नहीं लगा रहा था, इसलिए बच जाता है, और अच्छा कर लीजिएगा तो पूरा तरह से वो क्या होता है, जल जाता है। तो यह जो मोमबत्ती था, तो मोमबत्ती जो है वो चेंज होकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो एक नया कंपाउंड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, एक नया यौगिक है,
H2O जल बन गया, वो भी आपका एक अलग यौगिक बन गया जो इसके गुण से क्या है बिल्कुल भिन्न होता है। तो और आपको प्रकाश मिला, उष्मा मिला, तो वो जो है अलग अलग नए नए यौगिक में क्या हो गया परिवर्तित हो गया, उसका गुण बिल्कुल क्या होगा भिन्न होगा, जल का गुण अलग होगा, आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसका गुण क्या होगा अलग होगा, इसका गुण अलग था ठीक है। तो इस तरह से वो अलग अलग गुण वाले पदार्थों में यौगिक में क्या हो गया बट गया, तो इसलिए आपका मोम का जलना जो हो गया माने मोमबत्ती का जलना, ऐसे किसी भी चीज़ का जलना, मोमबत्ती का ही जलना नहीं, किसी भी चीज़ का अगर जलना लिखा रहे मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर हम जलाएंगे, कागज़ का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, किसी भी चीज़ का जलना, तो आपका क्या होगा रासायनिक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही और उसमें धुआं निकलेगा, बहुत सारा चीज़ निकलता है उसमें है, तो आपका किसी भी चीज़ का जलना हो जाएगा क्या रासायनिक परिवर्तन। आगे लिखा हुआ है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना का मतलब क्या होता है कि जैसे लोहा को अगर हम छोड़ देते हैं नमी की अवस्था में ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन और से संपर्क करके वो क्या बना लेता है फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, तो उससे आपका जंग जो होता है जंग धीरे धीरे लोहा को क्या करता है खत्म करता है, उसको क्या करता है अपक्षय करता है ठीक है, संक्षारण उसको हम कहते हैं लोहे का संक्षारण। तो लोहे में जंग लगना होता है तो जंग का गुण अलग होता है, लोहे का गुण क्या होता है अलग होता है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो गया। शरीर में भोजन का पचना क्या है, शरीर में भोजन का पचना, तो शरीर में भोजन पचता है ठीक है, तो यह भी आपका क्या होता है शरीर में जो भोजन हम लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा हम ग्लूकोज लिए, तो ग्लूकोज आपका चेंज होकर क्या होता है, तो ग्लूकोज आपका चेंज होकर CO2 होगा, H2O होगा, और एनर्जी हमारे शरीर में क्या होता है रिलीज होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है ऊर्जा मिलता है, तो वो अलग अलग चीज़ में वहाँ भी क्या होता है वो चेंज होता है, तो इसलिए शरीर में भोजन का पचना हो गया, ये आपका क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन। उधर से लिखा है पौधों में वृद्धि, तो पौधों में वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि या जीव जंतुओं में वृद्धि, जैसे मान लीजिए छोटा सा हम पेड़ अनार का लगाया, अनार का पेड़ बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया, उसी तरह से आपका जो आपका कोई भी जीव जंतु है जैसे गाय का बच्चा हो गया, बिल्ली का बच्चा हो गया, आदमी का ही मतलब कि मनुष्य ही हो गया ठीक है, तो ये आपका क्या होता है वृद्धि करता है, तो ये भी आपका क्या होता है रासायनिक परिवर्तन ही होता है, केमिकल चेंज के कारण क्या होता है उसमें वृद्धि होता है। दूध से दही बना, तो ये भी आपका क्या है रासायनिक परिवर्तन है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो रासायनिक परिवर्तन के हैं। तो यह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप नया पदार्थ बनता है, तो इस सभी में क्या होता है नया पदार्थ बनता है, जैसे पौधा में वृद्धि होता है, तो पौधा में वृद्धि होता है देखिए उसमें नया नया पत्ता नया नया डाली क्या होता है आता है उसमें नया, फिर फल नहीं लगता है कुछ ही तक उसमें फल नहीं लगता है, फिर उसमें फूल आगे बढ़ता है तो फूल हो गया, फूल हो गया तो फिर क्या हो गया फल हो गया, जिसमें फल आता है उसमें की हम बात करें, ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि फूल है तो फूल में फल कहाँ से आ जाएगा, कुछ ऐसा पौधा है जिसमें सिर्फ फूल ही आता है ठीक है, तो ग्रोथ करके तो उसमें नया नया परिवर्तन होता है, तो ये भी आपका क्या है इसमें नया नया परिवर्तन हुआ नया पदार्थ बना, तो इसको हम क्या कहेंगे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। आगे लिखा हुआ है कि मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, मूल पदार्थ से क्या होता है बिल्कुल उसका भिन्न होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ हम लगाते हैं तो पहले छोटा सा एक बीज लगा दिए, जैसे मान लीजिए हमको गेहूँ का पौधा चाहिए तो गेहूँ का छोटा सा हम बीज डाल दिए, तो बीज था ठीक है ना, उसका गुण अलग था, अब पेड़ हो गया ठीक है ना, तो पेड़ हो गया तो उसमें जो क्या होगा जो कंपाउंड बनेगा वहाँ पर जो होगा उसका गुण क्या होगा बिल्कुल अलग होगा, तो उससे वो क्या होगा उसका जो गुण होता है अलग होता है, तो इसलिए आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था को नहीं बदलता है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर बोले कि जैसे हम यहाँ पर क्या किए कि मोम का जलना, तो मोम को हम जलाएं कब जब उसको हम हीट दिए ठीक है ना, उसमें हम उतना उसका ज्वलन ताप आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसका क्या चाहिए ज्वलन ताप चाहिए, तो अगर मान लीजिए कि इसका ज्वलन ताप अगर 40 डिग्री सेल्सियस था, तो उसने टेम्परेचर इसको हम दिए तो ये जलना शुरू कर दिया, तो जलना शुरू कर दिया तो जलने के बाद ही क्या हो गया चेंज हो गया अलग अलग चीज़ में, तो क्या हम मान लीजिए कि वो जो हम जलना जला रहे थे उसको अगर मान लीजिए कि बंद कर देंगे, क्या कर देंगे बंद कर देंगे, तो क्या यह फिर से वापस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उधर से मान लीजिए कि लोहे में जंग लगना है, तो अगर मान लीजिए कि किसी लोहा में अगर जंग लग गया, अब मान लीजिए कि उसको हम नमी में नहीं रख करके उसको अगर हम अलग रख देंगे, ऐसा जगह रखेंगे जहाँ पर नमी नहीं मिलेगा, जहाँ पर उसको वायु नहीं मिलेगा, तो क्या वह जंग चेंज होकर लोहा में आ जाएगा, तो नहीं आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ कि परिवर्तन लाने वाले कारण, मतलब कि जिसके कारण वह परिवर्तन हुआ उसको अगर हम हटा भी देते हैं, उसको अगर हम चेंज भी करते हैं, मैंने उसको हटा देते हैं, तो मूल अवस्था है मैंने जो पहले उसका मूल अवस्था था उसमें वह चेंज नहीं होगा, मैंने पहले अगर लोहा था तो उस तरह का लोहा नहीं आएगा, मोम का जलना था तो मोम आपका वापस नहीं आएगा, तो इसमें मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है ठीक है। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ कि यह हमेशा अनुत्क्रमणीय होता है, क्या लिखा हुआ है हमेशा, मतलब कि यह कभी भी एक दूसरे में चेंज, मैंने कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोहा से जंग बना लिए, मैंने लोहा से आपका जंग हो गया, बनाते तो नहीं है बन जाता है ठीक है, तो लोहा में जंग लग गया तो जंग से फिर हम लोहा नहीं बना सकते, मोम अगर जल गया तो फिर हम जला हुआ रिसीव्ड पार्टिकल है, ऐसे तो मोम जलने पर बचता नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कोयला का, तो कोयला जलाते हैं तो आपको कोयला का राख मिलता है, ऐसे मिलता है, तो वह जो कोयला का राख मिला तो क्या हम कोयला के राख से कोयला ला सकते हैं, तो नहीं ला सकते हैं,
तो ये सब जो आपका होता है हमेशा क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो याद रखिएगा क्या कि रासायनिक परिवर्तन हमेशा जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, हमेशा क्या होता है अनुत्क्रमणीय, मतलब कि अगर एक से दूसरे फॉर्म में लेगा तो फिर दूसरा फॉर्म से पहला फॉर्म में ये नहीं आएगा, मैंने एक से अगर दूसरे रूप में गया तो दूसरे रूप से पहले रूप में यह नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ में होता है, कुछ परिवर्तन हो भी सकता है, कुछ परिवर्तन नहीं भी हो सकता है। तो यह जो आपका बेसिकली था आपका क्या था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसको आप 7वीं कक्षा में आप लोग अध्ययन किए भी होंगे, यहाँ पर आपका अध्ययन करना था इसलिए इसको हम बता दिए। फिर हम लोग कल आगे विलयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं।